जियो का जो सर्वर है वो अभी फिलहाल यहाँ पे डाउन है, और काफ़ी लोग ये पूछ रहे थे कि भाई यहाँ पे जो जियो का नेटवर्क क्यों डाउन हुआ। तो यहाँ पे जियो का जो डेटा सेंटर है वहाँ पे एक फायर एक्सीडेंट हो गया था, जिस कारण से यहाँ पे जो जियो ने अपने नेटवर्क शट डाउन कर दिया थोड़ी देर के लिए। अब काफ़ी लोग कह रहे थे भाई 2 बजे तक नेटवर्क वापस आ जाएंगे, तो नेटवर्क तो वापस आ गया, लेकिन जो माई जियो एप्लीकेशन हो गया या फिर जियो टी वी एप्लीकेशन हो गया या फिर जियो पेमेंट्स बैंक हो गया जो आप यूज़ करते हो जियो का, वो सब यहाँ पे अभी भी यहाँ पे वर्क नहीं कर रहे। तो जितने भी लोग यहाँ पे जियो पेमेंट्स बैंक यूज़ करते हो वो सावधान हो जाओ, जो भी आपके पैसे थे वो जियो पेमेंट्स बैंक के अंदर वो अभी फिलहाल आप यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि अगर पेमेंट करने चाहते हो पेमेंट फेल हो जाता है। मैंने यहाँ पर ट्राई कर लिया, तो जियो पेमेंट्स बैंक वाले यहाँ पर देख लेना, और साथ में जो भी जियो का जो रिचार्ज है वो कर रहे थे उनको भी बता दो, उनका जो रिचार्ज अभी पेंडिंग में सबका दिखा रहा है। और साथ में बात करूँ तो अभी तो भाई माई जियो एप्लीकेशन से जितने भी लोग रिचार्ज किए हैं उनका तो माई जियो एप्लीकेशन खुल भी नहीं रहा, तो काफ़ी लोग ये सोच रहे हैं भाई क्या होगा हमारा रिचार्ज का। तो मैं बता दूँ जो रिचार्ज है आई थिंक जियो यहाँ पर जैसे सर्वर को वापस लाएगा वैसे ठीक हो जाएगा, उसकी चिंता नहीं है। लेकिन हाँ यहाँ पे ये है कि भाई काफ़ी लोग का प्रॉब्लम यहाँ पे हो गया इस कारण से, और जितने भी लोग हैदराबाद बैंगलोर मुंबई थाने में रहते हैं उन सबका तो यहाँ पे नेटवर्क भी गायब हो चुका था, जिससे काफ़ी लोग को कुछ परेशानी यहाँ पे झेलना पड़ी है। और साथ में अभी भी परेशानी यहाँ पे ख़त्म नहीं हुई, क्योंकि माई जियो एप्लीकेशन अभी भी यहाँ पे सर्वर डाउन में ही है, अभी सर्वर जो है उसका बिल्कुल भी वर्क नहीं कर रहा। और साथ में मेरे एरिया में बात करूँ तो इंटरनेट यहाँ पे एकदम परफेक्ट काम कर रहा है, 5G और 4G दोनों, लेकिन बाकी सब यहाँ पे सेम वही हो रहा है, जैसे माई जियो एप्लीकेशन नहीं खोल रहा और जियो पेमेंट्स बैंक वर्क नहीं कर रहा। तो ये सब अभी जो फिलहाल वर्क नहीं कर रहा, अभी जो टाइम हो रहा है वह 3:20 कुछ हो रहा है, तो अभी के टाइम पे वीडियो शूट कर रहा हूँ, जैसे वीडियो यहाँ पे ख़त्म कर दूँगा अपलोड करके तब आपका शायद यहाँ पे वर्क कर रहा हो। लेकिन जितने भी लोग का यहाँ पे प्रॉब्लम हुआ है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बता देना कि आपका सॉल्व हुआ कि नहीं। तो यही इस कारण से यहाँ पे जो जियो का जो है नेटवर्क आउटरेज इशू आया है, तो ये जल्द से जल्द सॉल्व कर देगा जियो, लेकिन भाई काफ़ी बड़ा इशू है ये। काफ़ी लोग का डेटा जो डेटा सेंटर के अंदर होता है वो अगर यहाँ पे लॉस्ट हो गया तो भाई बस हम सबका यहाँ पे जो वैल्यूबल इन्फॉर्मेशन है वो गायब हो जाएगा। तो यही सब है यहाँ पे चल रहा है अभी जियो के साथ, पता नहीं क्यों ऐसा हुआ। तो आप बता देना कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आपको जो प्रॉब्लम सॉल्व हुआ कि नहीं। ठीक है, तो आप फिर मिलते हैं कॉन्टेक्ट साथ, तब तक जय हिंद जय भारत।